सब्सक्राइब कीजिए अराइव 24 न्यूज को और नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं सबसे पहले हमारी वीडियो को देखने के लिए। अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मुस्लिम पक्षकार राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के मामले को टालने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दलील दी कि जिस मुद्दे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में तरजीह नहीं दी उसे सुप्रीम कोर्ट में बेवजह तुल दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने कहा 1994 में इस्माइल फारूकी मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया था जिसमें पैरा 82 में लिखा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच को जब अयोध्या का मूल विवाद सुनना था तो बात फैसले की इसी पैरा पर अटकी। तय हुआ कि पहले सुनवाई इस पर ही हो जाए, लिहाजा अदालत ये तय करेगी इस्माइल फारूकी वाले मामले के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं। इस बेंच का फैसला अगर हाँ में होगा तो 7 या उससे ज्यादा जजों की संविधान पीठ बनेगी और वो फैसला करेगी। फैसला अगर नहीं में आया तो फिर मूल भूमि विवाद पर बहस होगी। 1994 में आया ये फैसला मुस्लिम पक्ष के लिए फिलहाल तो कांटा बना बैठा है। शुक्रवार को जब चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच सुनवाई करने बैठी तो सन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन ने फिर दोहराया कि इस्लाम सामूहिकता का मजहब है। वैसे तो नमाज कहीं भी अदा की जा सकती है लेकिन जब शुक्रवार को सामूहिक नमाज अदा होती है मस्जिद में पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इस्लाम की शुरुआत से ही ये परंपरा है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरआई 24 न्यूज़ पहचान सच्चाई की। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, हम आपको ऐसे ही तमाम खबरों की अपडेट्स देते रहेंगे।